फीमेल इनफर्टिलिटी महामारी का कम मिकदार में आना लाइट पीरियड्स। क्या पीरियड्स के दौरान आपका ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा कम है? महामारी के दौरान मसाइल पेश आना औरत की प्रेगनेंसी में रुकावट का बायस बन सकता है। महामारी से मुतलिक तमाम मसाइल से निजात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगी कि ख्वातीन की महामारी से मुतलिक जो सबसे ज्यादा शिकायत होती है वो ख्वातीन को लाइट पीरियड्स की होती है। लाइट पीरियड्स क्या हैं, इनके वजूहात क्या हैं और इस मसले से निजात के लिए हर्बल तरीका इलाज क्या है, आज के प्रोग्राम में ये सब बातें तफसील से बताऊंगी। लाइट पीरियड्स को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपोमेनोरिया भी कहते हैं। हाइपोमेनोरिया का मतलब ये है कि ख्वातीन में पीरियड्स में ब्लड फ्लो जो पहले नॉर्मल थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई हो। अगर किसी औरत को पहले 5 दिन के पीरियड्स आते थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये 4 दिन के आना शुरू हो गए हैं। अगर 4 दिन प्रॉपर फ्लो के साथ ब्लीडिंग होती है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि साइकिल में 1 या 2 दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी फीमेल को पहले 5 दिन प्रॉपर फ्लो रहता था जो कि बाद में सिर्फ 2 दिन का फ्लो आ रहा है तो इसको लाइट पीरियड्स कहते हैं। इसके अलावा जिन खवातीन की साइकिल इस तरह की होती है कि पहले 2 दिन ब्लीडिंग प्रॉपर फ्लो के साथ होती है लेकिन 3 या 4 दिन सिर्फ स्पॉटिंग होती है, लेकिन जो 2 दिन हैवी फ्लो था अगर इसमें भी सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है या लाइट फ्लो आ रहा है तो इसको भी लाइट पीरियड्स ही कहेंगे। अब इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करती हूँ। सबसे पहली वजह एज है। वो लड़कियां जिनको पीरियड्स शुरू हुए हों तो स्टार्ट के 1 या 2 साल में अगर लाइट पीरियड्स आ रहे हैं तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुअली औरत की बॉडी इस तरह के हार्मोन्स बनाना शुरू कर देती है कि औरत को पीरियड्स प्रॉपर फ्लो के साथ आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी वजह ब्रेस्ट फीडिंग है। जब औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं तो बॉडी के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसको प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन भी औरतों में महामारी को कम कर देता है। जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग खत्म करवाएंगी तो पीरियड्स प्रॉपर फ्लो के साथ आएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी ब्लड फ्लो कम हो जाता है, खासतौर पर थायराइड के पेशेंट के अंदर, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर वो खवातीन जिनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, ऐसी फीमेल्स को में भी लाइट पीरियड्स आते हैं और प्रॉपर फ्लो नहीं होता। इस सूरत में थायराइड के टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी हैं ताकि लाइट पीरियड्स की असल वजह मालूम की जा सके। इसकी एक और वजह साइकोलॉजिकल है। बहुत सी खवातीन हैवी एक्सरसाइज करती हैं या डाइट प्लान स्टार्ट कर देती हैं। इसके अलावा जिन खवातीन का वजन बहुत ज्यादा कम हो गया है तो इनके पीरियड्स भी लाइट हो सकते हैं। कुछ खवातीन ऐसी होती है जिनको प्रेगनेंसी के दौरान भी लाइट ब्लीडिंग होती है और कुछ फीमेल की महामारी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। वो खवातीन जो शादीशुदा हैं इनको चाहिए कि अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लाजमी करवाएं और अगर प्रेगनेंसी हो तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुसलसल औरत को लाइट पीरियड्स ही आ रहे हो तो इसके लिए इलाज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपको ब्लड टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए जिसमें 2 चीजें बहुत अहम है, 1 HbA लेवल और दूसरा विटामिन डी लेवल। अगर ये दोनों कम होंगे तो ऐसे केसेस में भी खवातीन को लाइट पीरियड्स आते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी हैं जिसमें LH, FSH और साथ ही टेस्टोस्टेरोन के लेवल टेस्ट करवाना भी जरूरी है। अब इस मसले के मुतालिक हर्बल तरीके इलाज के बारे में बताती हूँ। औरतों के तमाम मसाइल बशमूल लाइट पीरियड्स, तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोभा रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स, ले डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की जेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद लाइट पीरियड्स की तमाम वजूहात के खात्मे के लिए बेहतरीन और कामयाब इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज में ऐसी कीमती जड़ी बूटियों को शामिल किया गया जो हारमोन्स को मुतवाजन करते हैं। इसके बाद इस इलाज में शामिल हर्बल अद्वियात जिस्म में खून की कमी को पूरा करके पीरियड्स को रेगुलर करती हैं जिससे ब्लीडिंग प्रॉपर फ्लो के साथ होती है। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज औरतों में बढ़े हुए वजन को कुदरती तरीके से कम करता है और साथ ही हर्बल इलाज FSH LH लेवल को नॉर्मल करके मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलर करता है जिससे महावारी में हाई तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और पीरियड्स प्रॉपर फ्लो के साथ आते हैं। इलाज के बाद कुछ जरूरी एहतियाती तदाबीर का जिक्र करती हूँ। जिस हद तक हो सके खुद को स्ट्रेस से दूर रखें, पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें, अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। वर्जिश लाजमी करें लेकिन हद से ना बढ़ें कि हार्मोन्स गैर मतवाजन हो जाएं। ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फल लाजमी इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड्स का इस्तेमाल तर्क कर दें। सिगरेट और अल्कोहल का इस्तेमाल भी तर्क कर दें। इसके मुतालिक मजीद मालूम और रहनमाई के लिए स्क्रीन पर देखे नंबर पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।